हेलो शार्क्स, मेरा नाम मनीष है। मैं रूपाली। और मैं सुप्रीत। हम वुलू के को-फाउंडर्स हैं। सो शार्क्स, आप सबने अपने घरों में महसूस किया होगा कि आपकी घर की औरतें जब घर से बाहर जाती हैं तो हमेशा वॉशरूम होके जाती हैं। कुछ भी भूल जाए लेकिन वॉशरूम जाना कभी नहीं भूलती, क्योंकि उनके मन में ये डर हमेशा है कि बाहर एक साफ और सुरक्षित वॉशरूम अवेलेबल नहीं है। शार्क्स कहते हैं कि एक औरत का दर्द एक मर्द को तभी पता चलता है जब वो एक लड़की का बाप बनता है, पर उसी लड़की को अगर हम लोग एक बेसिक हाइजीन डिग्निटी प्रोवाइड नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है। इसी फ्रस्ट्रेशन से एक रिवॉल्यूशन निकली और उसका नाम है वुलू। वुलू एक इनोवेशन है जो लू डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। वुलू हमारे यूजर्स को जब भी वो घर से बाहर होते हैं तो उन्हें नजदीक के वॉशरूम लोकेट करने में मदद करता है और उसी की तरफ नेविगेट करता है। वुलू एक एग्रीगेशन मॉडल यूज करता है और जो ए ग्रेड रेस्टोरेंट्स में वॉशरूम है उन्हें सर्टिफाई करता है हाइजीन और सेफ्टी के लिए। हमारे पास 1200 ऐसे रेस्टोरेंट सर्टिफाइड है मुंबई में। वुलू एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल है और ये शेयर्ड इकोनॉमी इफेक्टिवली यूज करता है और इसी की वजह से वुलू एक्सट्रीमली एसेट लाइट है और हाईली स्केलेबल है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है इसके कस्टमर्स के लिए। सो शार्क्स, वुलू एक तोहफा है मेरे जैसे फादर्स से अगली जनरेशन को, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए। हम चाहते हैं 4% इक्विटी के सामने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट, एंड प्लीज जॉइन मी इन दिस जर्नी। सो गो बिंदास, वुलू है ना। सो टीम वुलू, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आप सॉल्व करने निकले हैं, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि बहुत सारी यंग गर्ल्स स्कूल से ड्रॉप आउट होती है, राइट? एब्सोल्युटली। बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग गुड टॉयलेट्स, दिस इज अ बिग इशू इवन इन द एजुकेशन सेक्टर, राइट? मुझे एक चीज जो समझ में नहीं आई है, इफ आई एम अ रेस्टोरेंट ओनर और राह चलता कोई भी सिर्फ मेरा लू यूज करके चला जाएगा, दैट कैन क्रिएट मोर ऑफ अ न्यूसेंस वैल्यू। I belong to retail industry, global retail industry. Before, इससे पहले मैं Walmart US में था and Shoppers Stop में था. I'm a consumer analyst. एक बहुत important चीज़ होती है any retail business में customer entry. वुलू इन दो problems को solve करता है. 60% restaurant उनको negative comment मिलता है, bad food और bad ambience की वजह से नहीं, but bad toilet की वजह से. ऐसा क्यों होता है? Because जो toilet area होता है वो non-trading space होती है एक रेस्टोरेंट ओनर के लिए, तो हमेशा वो कॉस्ट सेंटर बनता है उनको मेंटेन करने के लिए और फ्रीली अवेलेबल होता है कंज्यूमर्स के लिए। हम वुलू के द्वारा कस्टमर ड्राइव करते हैं उनके फैसिलिटी में। हम वुलू की हाइजीन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और प्रोसेस से उनको हेल्प करते हैं, मतलब उनका कैसे टॉयलेट मैनेज होगा और मेंटेन होगा, और वुलू के रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम से हम उनकी जो टॉयलेट मेंटेनेंस कॉस्ट है उसे रिड्यूस करते हैं। एक डेमो देख लें, पता लग जाएगा इजीली। हां, वो अच्छा होगा। अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसी लोकेशन के आसपास आपको लूज नजर आएंगे। हमें तो ये करने नहीं देते हैं, दूर वैनिटी में बेचते हैं लू जाने के लिए। हाँ जी। यहाँ पर है टॉयलेट? हाँ, यहाँ पे है। यहाँ पे 2 किलोमीटर में 30 टॉयलेट। इसे बड़ा परेशान करके रखा है इन लोगों ने 2 महीने से। दीज आर ऑल दी होस्ट्स अवेलेबल अराउंड यू। नाइस। जैसे ये आप देख रहे हैं तो जो मैंने क्लिक किया तो आप नीचे उसका इमेज देख सकते हैं कि कौन सा वॉशरूम है। जैसे स्टारबक्स है तो उसकी जो भी रेटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं, कितना डिस्टेंस है वो देख सकते हैं। उसके बाद जब आप उसको डायरेक्शंस पे ले जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे ले जाएगा। स्टारबक्स को भी आपने सर्टिफाई किया? Yes. हाँ जी। पहला प्राइमरी रेवेन्यू हमारा है सब्सक्रिप्शन का, ₹99 हर मंथ, ओके, या फिर ₹365 एनुअली सब्सक्रिप्शन। जितने भी बार सब्सक्रिप्शन खरीदी उतने रिवॉर्ड पॉइंट्स उनको वो रूपी में मिलते हैं, ओके, दैट इज पहली बार वो होता है। सेकंड रेवेन्यू हमारा है जो रिडेम्पशन होते हैं, उसमें से 20% वर्थ ऑफ पॉइंट्स कन्वर्ट होते हैं रिडेम्पशन के लिए पहले हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो हर कस्टमर अगर ₹1,000 का प्रोडक्ट है और उनको 200 पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं वो परचेस पे। करंटली हमारे पास 12,000 डाउनलोड्स है, 6,000 पेड यूजर्स है और 4,000 एक्टिव यूजर्स है जो महीने में 5 से 7 बार ऐप यूज करते हैं। रेवेन्यू बताइए। 23 लाख का रेवेन्यू हमारे पिछले 3 महीने में हुआ है। पिछले महीने कितना हुआ? पिछले महीने में हमारा रेवेन्यू था ₹9 लाख। नॉट बैड, नॉट बैड। यू नो टॉयलेट का मेंटेनेंस सबसे बड़ा इशू है। हाँ जी। तो ऐसे सर्विस मॉडल में बैड रिव्यूज मतलब बहुत डैमेज हो सकता है ऐसे रिव्यूज से। जब होस्ट ऑनबोर्ड होता है तो हम लोग एक
मोशन सेंसिंग टॉयलेट सीट देते हैं। हमारे जो एफिलिएट पार्टनर है वो एक फ्री यूनिट देते हैं हम उनको। दूसरा, वही यूनिट में एक IoT सेंसर है जो स्टिंक लेवल डिटेक्ट करता है हर एक घंटे में, और हर दिन का स्टिंक लेवल, एक थ्रेशोल्ड स्टिंक लेवल हम लोगों ने दिया हुआ है, उसमें रिपोर्ट्स में आता है। अगर वो क्रॉस होता है तो ट्रिगर होता है, और अगर 3 बार क्रॉस होता है तो वो फैसिलिटी डीलिस्ट होती है। आप उसको डीलिस्ट कर भी देंगे तो क्या होगा, आपका एक जो टॉयलेट है वो कम हो जाएगा, पर अगर उसका हाइजीन मेंटेन करना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लें और उसके लिए चार्ज भी कर लें और रेस्टोरेंट के लिए भी ईजी है, तो इन सम वेज बिकॉज आपका कोर प्रोपोजिशन क्वालिटी है वो आपके हाथ में ही नहीं है। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मैं इससे आउट हूँ। ओके, मेरे को लग रहा है ये प्लेटफॉर्म लेवल पे अभी तक आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है। ओके, और ये अभी प्रॉब्लम रिटेल लेवल पे सॉल्व हो रही है। हाँ जी। मतलब मैकडॉनल्ड्स एंड स्टारबक्स आर द ट्रांजिट वॉशरूम्स फॉर एवरीवन, राइट? एंड इसमें मोनेटाइजेशन भी मेरे को अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस कारण से मैं आउट हूँ। इसमें मॉडल में मुझे भी 2-3 इश्यूज हैं। इफ द ड्रॉ इज कि मैं तुम्हें कस्टमर ला रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर नॉट फीलिंग द प्रेशर कि मुझे जाके कुछ खरीदना पड़ रहा है। लाइक मैं हजारों बार वॉशरूम यूज करके बाहर निकल जाती हूँ बिकॉज मुझे गिल्ट नहीं होता है। बट द कस्टमर इज गोइंग बिकॉज दे आर फीलिंग द प्रेशर। ओनली प्रेशर टू गिव नॉट टू टेक। सो अलाइनमेंट है कि मुझे वॉशरूम यूज करना है, आई शुड बी एबल टू पे फॉर इट एंड दैट मनी शुड गो टू द पर्सन हू इज मेंटेनिंग इट इज द लॉजिकल मॉडल मेरे दिमाग में। तो इस रीजन के लिए आई एम ऑल्सो आउट। तो आपका 2 मॉडल हो सकता है, अगर आप वॉशरूम फाइंडर हो, लोकेटर हो तो वो फ्लॉड मॉडल है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मैं गूगल से बेटर कोई नहीं बता सकता मुझे। और आप सर्टिफिकेशन एजेंसी हो कि आप वॉशरूम सर्टिफाई करते हो, तो वो आपने किसी तरह, वो आपके अंदर निकल के नहीं आ रहा कि वो आपका कोर है। बट द प्रॉब्लम इज जेन्युइन एंड फॉर दोज रीजन व्हिच आई स्टेटेड बिफोर आई एम आउट। देखो, मेरे को क्या लगता है ना, आपका प्रॉब्लम बहुत रियल है, अभी आपका सोल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? तो मैं बाहर हूँ, बट बेस्ट ऑफ लक। अप्रिशिएट दैट। नाउ आई एम आउट, but the problem is large enough for you guys to solve, so just be at it. Thank you, sir. मुझे नहीं लगता है कि ये business बन पाएगा आपके लिए। Okay. और very honestly मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे Google Maps या ऐसे platform Zomato और utilitarian बनते जा रहे हैं, मतलब रोज की सेवाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप है, ये है, वो है, उसी तरह टॉयलेट्स की भी रेटिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। कस्टमर जाएंगे गूगल मैप्स पे, वो एक लोकेशन ढूंढेंगे और अपने आप वो टॉयलेट की रेटिंग करेंगे। तो इस वजह से मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो 6 sharks आउट है, बची मैं। यस मैम। किसी ने किसी को तो ये पहल करनी है जरूर, तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी। 25 lakhs फॉर 10% इक्विटी एंड 25 lakhs एज डेट एट द रेट ऑफ 12%। हम लोग एक मिनट चाहते हैं, हमारी maybe internal discussion हम लोग कर सकते हैं। Sure, sure. नमिता, good है। अरे यार, थोड़ा भावुक हो गई मैं। होना चाहिए। तेरे जैसे emotional हो रही हूँ तेरे साथ रह के, not a good thing. 10% purchase लो। एक और बात है। हम खुश हैं कि आपने offer दिया, मैं वो proud है, but मैं पैसे नहीं बना पाऊँ। ठीक है यार, कोई कोई चीजें cause के लिए करते हैं। हम आपको काउंटर करना चाहते हैं। ओ, मैं काउंटर नहीं लूंगी। सुन तो लीजिए। हाँ जी, बोलिए। आपका तो 35 lakh 6% से हम लोग डेट नहीं लेना चाहते। आई थिंक ये मेरा जो ऑफर है वो फाइनल है। अगर आपको नहीं लेना है, आई रियली मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं आपको बहुत बहुत यू नो बेस्ट लक देना चाहूंगी। प्लीज वॉच अस। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स।